नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शहरों में अव्यवस्थित यातायात नियमों की अवहेलना, पुलिस की लापरवाही के फलस्वरूप प्रदेश में प्रतिदिन सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उक्ताशय का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्यों ने प्रमुख सचिव गृह विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस के नाम पत्र लिखकर यातायात नियमों का पालन सख्ती से करवाने की मांग की है और माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की है। प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह और विभिन्न जागरूकता अभियानों में वर्ष 2018 और 19 में पुलिस विभाग द्वारा 11 करोड़ 45 लाख 38 हजार 134 रुपए खर्च कर दिए गए, परंतु दुर्घटनाओं में बहुत मामूली अंतर देखने में आया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में कुल 42,431 दुर्घटनाओं में मृत्यु दर्ज हुई है। औसतन प्रतिदिन 116 व्यक्ति काल कल्पित हुए हैं। वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं एक्सीडेंट में मृत्यु का प्रतिशत 51.4 रहा। प्रदेश में टॉप 10 दुर्घटना वाले शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, धार, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना और छिंदवाड़ा हैं। NCRB की रोड एक्सीडेंट डेथ 2019 की रिपोर्ट जारी हुई नवीनतम। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश देश में इस मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में मध्य प्रदेश में 40,000 से अधिक लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हुई है। बहुत विशेष बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018-19 में 18.5 करोड़ रुपए खर्च किए जन जागरूकता में, इसके बाद ये परिणाम सामने। हमारे द्वारा 2015-16 में 2 जनहित याचिकाएं दायर करके ये मांग की गई थी कि रोड सेफ्टी एक्ट का पालन किया जाए और दूसरी बात नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए, परंतु उस विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज सामने है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगर हम राज्य में शहरों की बात करते हैं, इंदौर नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर भोपाल है, तीसरे स्थान पर जबलपुर है। रोड एक्सीडेंटल डेथ के मामले में हर दिन 115-16 लोगों की मृत्यु हो रही है। इस मामले में हमने यह निर्णय लिया है कि हम शीघ्र एक अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे।